में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं गाजा और इसराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं? गाजा के युद्ध में भले हमास को हराने के दावे किए जाएं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मुल्क अब हमास का साथ देने के लिए एकजुट हुए हैं, उससे इसराइल में हड़कंप मच गया है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब भी गाजा में बेतहाशा मौतों को देखने के बाद अब युद्ध करने का मन बनाने लगा है। यानी कि सऊदी अरब और ईरान अब एक साथ आकर खड़े हो गए। रहा है हमास मुस्लिम देशों की गुप्त बैठक। हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गाजा को नक्शे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं देख सकते हैं। इसराइल मान जाओ वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इसराइल को देने लगे हैं। जंग के एक महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इसराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इसराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। وحدت کشورهای اسلامی بسیار مهمه که یکی از جلوه‌های این نشست همین وحدت کشورهای اسلامی خواهد بود. امریکایی‌ها در اظهاراتشون مسئولین مختلفشون اعلام می‌کنن که ایران سعودی عرب کی قسم بدل دیں گے اسرائیل کا نقشہ. ایران سعودی عرب سیریا جارڈن कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इसराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईरान के पास अराज-2, मोहाज़े-10 और शाहिद सीरीज के ऐसे ऐसे आत्मघाती ड्रोन है जो इसराइली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को एक महीने तक खींच लिया है। अगले एक हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इसराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश।
गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं। ईरान के मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। OIC की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और OIC की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने OIC की इस बैठक को खास बताया और कहा कि ये बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इसराइल के खिलाफ एक्शन लेगी। ونحن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام في أفريقيا. बहुत हुई बात, बारूद से मिलेगा जवाब। बीताब मिशन निरोहाय मुकावमत बीताब मिशन किसी जलो इन दिगे नमतुने बिगिर इन बेदन तवको नकोनन अज कसानी के नगजरीद फरोन गुरु फरोन कारो बकोने किसी नमतुने जलो इन बिगिर वक्ति बीताब शदन ये वाकियत इस के वजूद दरे। एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं, लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इसराइल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हुई थी। कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इसराइल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है, यानी गाजा में अब इसराइल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनन के हिजबुल्ला लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल को क्या धमकी दी है। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی. दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री और उनकी वॉर कैबिनेट इस वक्त क्या कर रही है जरा ये भी जान लीजिए। नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के आसपास अपने टॉप कमांडरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गाजा में घुसकर हमला कर रहे IDF के सैनिकों से मिलकर नेतन्याहू ग्राउंड रिपोर्ट पर जंग के ताजा हालातों को जान रहे हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ और ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 65 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट है जिसने इसराइल की IDF को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इसराइल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। نريد دواء نريد مصابينا نريد نصر أبنانا نريد أن اللجان يقفوا معنا أين الدول العربية أين المسلمين كلنا مع الفاضي إحنا بنطالب بس بدنا دواء بدنا دواء بدنا أطباء بدنا ندفن أولادنا مش قادرين نجيبهم بيت عنون دمرت بيت لاهيا دمرت بالكامل الضحايا والشهداء بالمات كيف نقلتوهم حاج كيف نقلتوهم لا نريد أكل ولا نريد سلاح.
इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्सी हलेवी, आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल एतजेक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी नहीं घुसने देंगे और न ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना है। यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना से खुफिया इनपुट लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं। وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ بقيت وين؟ انت صارت ثلاث دبات بقيت حرف بقيت شوفها قاعد الخط وانت بتبيع في الحية والله بتدفع في الحية. खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनन के हिजबुल्ला ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्ला के 65,000 लड़ाके इजरायल के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्ला और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 256,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 150,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इसराइल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इसराइल को रोक पाएंगे? يا عمي احنا كنا قاعدين امنين في بيوتنا والامور طيبه ما لقينا الا برميل متفجر هذا مش صاروخ طبيعي هذا اشي مش طبيعي اول مره نسمعه هاي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح ناس امنين صغار ماتت كلهم اطفال طلعناهم نساء ماتت هم هذول هدفهم एक महीने से ज्यादा की जंग के बाद पता चला है कि उत्तरी गाजा से 70% फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा के बीच लगभग 14 किलोमीटर का फासला है। दक्षिणी गाजा से लगभग उत्तरी गाजा से 7 से 8 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में फंसे 1.5 से 2 लाख लोगों को हमास के लड़ाकों ने मानव ढाल बना रखा है। जनाजों का तांता हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना चुके हैं।